जंगल के सबसे खूंखार शिकारियों की बात हो और हायना का नाम उस लिस्ट में ना आए, भला ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि हायना जंगल के उस खौफ का नाम है जिसे देखकर अच्छे अच्छों की बैंड बज जाती है। जिस तरह हायना अपने शिकार को नोचता है, उसके बाद तो उसके चिथड़े भी देखने को नहीं मिलते। लेकिन आज का ये वीडियो काफी डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको हायना के हमलों को नहीं बल्कि हायना के साथ हुए कुछ ऐसे मोमेंट्स को दिखाने वाले हैं जब हायना को मुंह की खानी पड़ी है। वो कहते हैं ना कि हर दिन कभी भी एक जैसा नहीं होता, ठीक उसी तरह हायना के साथ भी आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। हायना मेस्ट विथ लायन। यहाँ रात के अंधेरे में दो हायना एक मांस के टुकड़े को खा रहे हैं। इस दौरान एक हायना अपनी नजरों को घुमाकर भी देख रहा है ताकि उनके और इस शिकार के बीच किसी और जानवर की एंट्री ना हो जाए। लेकिन वहीं थोड़ी दूर पर एक शेर भी मौजूद है जो इन हायना की एक्टिविटी पर इसलिए गौर कर रहा है ताकि मौका मिलते ही ये उनके खाने को छीनकर अपनी भूख मिटा सके। हालांकि हायना को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं है कि एक शेर उनके खाने पर अपनी नजरों को गड़ाए हुए है, इसलिए वे बड़े ही मस्ती से इस मांस के टुकड़े को खाने में लगे रहते हैं। लेकिन तभी अचानक वो शेर उनके झुंड पर हमला कर देता है। उसका हमला इतना खतरनाक है कि हायना की टीम को तुरंत ही यहाँ से भागकर अपनी जान बचाना पड़ती है, जिसके बाद इस मांस पर शेर का कब्जा हो जाता है। हालांकि इस बार तो शेर ने हायना के सिर्फ खाने पर ही हमला बोला था, लेकिन अगली क्लिप आपको चौंका सकती है क्योंकि यहाँ शेर एक हायना पर ही हमला कर देता है। इसके बाद उस हायना का क्या होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ हायना का झुंड एक शेर को घेर कर खड़ा हुआ है क्योंकि शेर ने उनके टीम के एक सदस्य को घायल कर दिया है। हायना इस बात से इतने ज्यादा गुस्से में रहते हैं कि वो शेर पर लगातार अपने हमले को जारी रखते हैं। लेकिन वहीं शेर भी इन हायना से डरने की बजाय उन्हें डराने में लगा हुआ है और बारी बारी से सारे हायना पर हमला कर रहा है। तभी थोड़ी ही देर में घायल हायना शेर के चंगुल से भागने लगता है और उससे थोड़ी दूर पर जाकर खड़ा हो जाता है। इस हायना को शेर ने इतना घायल कर दिया है कि इसका पूरा शरीर जख्मों से भर गया है। इसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शेर ने इस पर कितनी बुरी तरह से हमला किया होगा। लेकिन लगता है कि आज इस हायना की किस्मत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस वक्त इस हायना को राहत भरी सांस लेने की जरूरत है, उसी वक्त शेर भी उसके करीब आ जाता है और उसे अपने जबड़ों से जकड़ लेता है। अब शेर इस हायना की गर्दन को बुरी तरह दबोचता रहता है, जिससे हायना और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। हायना मेस्ट विथ वाइल्ड डॉग। वैसे तो हायना के पास इतनी ताकत तो जरूर है कि वो जंगली कुत्तों के झुंड का मुकाबला कर सके, लेकिन मामला तो तब बिगड़ जाता है जब बेचारा हायना उनके झुंड में अकेला फंस जाता है। जैसे कि यहाँ जंगली कुत्तों का झुंड एक हायना को चारों तरफ से घेर लेता है और उसके शरीर को नोचने लगता है। हालांकि हायना भी उनसे बचने के लिए उन्हें डराने की कोशिश तो जरूर करता है, लेकिन उसकी कोशिश को ये सारे कुत्ते नाकाम कर देते हैं और उस पर बारी बारी से हमला करते हैं। अब देखते ही देखते कुछ और कुत्ते भी उसके करीब आते हैं और उसके शरीर को नोचने लगते हैं। जंगली कुत्ते इस हायना को इतनी बुरी तरह से दबोचते हैं जिससे हायना का यहाँ से बच पाना काफी मुश्किल लगने लगता है। हालांकि मौका पाकर हायना यहाँ से भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन कुत्तों का झुंड उसे पकड़ लेता है और उसे चारों तरफ से घेर लेता है। काफी देर तक कुत्ते इस हायना को ऐसे ही नोचते रहते हैं और हायना अपनी जंग को लड़ता रहता है। इस हायना के साथ आगे क्या हुआ ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कुत्तों के रवैये को देख कर लगता नहीं कि उन्होंने उसे छोड़ा भी होगा। हायना मेस्ट विथ हनी बैजर। हायना का मुकाबला अब एक ऐसे जानवर से होने वाला है जिसे इस दुनिया के मोस्ट फियरलेस एनिमल के रूप में भी जाना जाता है। अब देखना ये होगा कि क्या हायना इस जंग को जीत पाता है या फिर यहाँ भी उसकी धुलाई होती है। यहाँ दो हनी बैजर एक हायना को डराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद हायना भी अपने कदमों को आगे और पीछे करने लगता है ताकि हनी बैजर के हमले से वो खुद को संभाल सके। जबकि इसी दौरान पास में मौजूद एक दूसरा हायना जैसे ही अपने दोस्त को मुसीबत में देखता है तो वो भी यहाँ पर पहुंच जाता है। लेकिन जिस तरह हनी बैजर उसे डराते हैं, उसके बाद वो भी अपने कदमों को पीछे खींच लेता है और थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो जाता है। अब बारी बारी से दोनों हनी बैजर इन हायना पर हमला करने में लगे रहते हैं, जिसके बाद बेचारे हायना को भी मजबूरन यहाँ से भागना ही पड़ता है। हायना मेस्ट विथ पॉर्क्यूपाइन। दोस्तों, पॉर्क्यूपाइन भले ही अपने शरीर से ज्यादा मजबूत ना दिखता हो, लेकिन उसके शरीर में मौजूद कांटे उसे काफी ताकतवर बना देते हैं और यही कारण है कि उससे बाकी जानवर दूरी मेंटेन करना ही
बेहतर समझते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक पोर्क्यूपाइन अपने सामने सोए हुए हायना की तरफ देख रहा है, लेकिन उसे जैसे ही ये मालूम चलता है कि हायना का एक बच्चा उसके साइड में खड़ा है, तो वो उसे डराने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके बाद ये बच्चा भी भागकर अपनी माँ के पास चला जाता है। अब पोर्क्यूपाइन अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाने लगता है, जिससे ये बच्चा तो वहां से भागता ही है, लेकिन साथ ही वहां मौजूद दोनों हायना भी दूर हटने लगते हैं और साइड में जाकर खड़े हो जाते हैं। दरअसल हायना इस बात को जानते हैं कि पोर्क्यूपाइन के कांटे बहुत ही नोकीले होते हैं, जो चुभने के बाद उनके पूरे दिन को खराब कर सकते हैं। इसीलिए वे उसे दूर रहना ही बेहतर समझते हैं और थोड़ी दूर जाकर सो जाते हैं। हायना मेस्ट विथ लेपर्ड। पेड़ के पीछे एक हायना अपने शिकार को खाने में लगा हुआ है, मगर तभी यहाँ एक लेपर्ड चलता हुआ उसके करीब आता है और उस मांस को उससे छीनने लगता है। अब लेपर्ड और हायना दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और उस मांस को छीनने में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। हालांकि हायना लेपर्ड से उस मांस को खींचने में कामयाब रहता है और उसे पेड़ के पास ले जाकर खाने लगता है, लेकिन वहीं लेपर्ड भी उस शिकार को पाने की कोशिश में लगा हुआ है। अब लेपर्ड जैसे ही उस मांस को खाने की कोशिश करता है, वैसे ही हायना उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, ताकि लेपर्ड चाहकर भी उस मांस को ना खा सके। लेकिन तभी वक्त कुछ ऐसी करवट लेता है जिससे यहाँ का पूरा माजरा ही बदल जाता है। दरअसल हायना अपने शिकार को छोड़कर जैसे ही थोड़ा आगे की ओर बढ़ता है, वैसे ही लेपर्ड को उसे हड़पने का पूरा मौका मिल जाता है और वो उस शिकार को लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। हालांकि हायना उसे पकड़ने की कोशिश तो जरूर करता है, लेकिन तब तक लेपर्ड पेड़ के काफी ऊपर पहुंच जाता है। हायना मेस्ट विथ चीता। यहाँ एक हायना मैदान में सोए हुए एक चीता के सामने खड़ा हुआ है। हायना को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये चीता के सामने गलती से पहुंच गया है, तभी तो ये अपने सिर को हिलाकर उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच चीता इस हायना को डराने की कोशिश करता है, जिसके बाद हायना यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। लेकिन हायना जैसे ही इस चीता से बचने के लिए थोड़ा आगे बढ़ता है, वैसे ही उसकी मुलाकात एक दूसरे चीता से होती है, जो उसे डराने के लिए अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। अब हायना कुछ समझ पाता उससे पहले ही चीता उस पर हमला कर देता है और हायना वहां से भाग खड़ा होता है। हायना मेस्ट विद ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच इस दुनिया का एक ऐसा पक्षी है जो अपने विशालकाय शरीर के लिए जाना जाता है। हालांकि वैसे तो ये किसी से लड़ने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता, लेकिन जब बात इसके बच्चे की जान पर आ जाए तो फिर ये किसी से टकराने से भी नहीं चूकता। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रिच के बच्चे अपने अंडे से निकलने लगे हैं, वहीं ऑस्ट्रिच भी अपने बच्चों के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच ऑस्ट्रिच इस बात से अनजान है कि एक हायना उनके बच्चों को मारने के लिए घात लगाए हुए है, जबकि बाकी हायना मैदान में टहल रहे हैं। हायना इस फिराक में लगे हुए हैं कि मौका मिलते ही वो ऑस्ट्रिच के बच्चों का शिकार कर सकें, इसीलिए वे उनसे थोड़ी दूरी पर मंडराते रहते हैं। मगर तभी ऑस्ट्रिच की नजर सामने मौजूद हायना की टीम पर पड़ती है, जो उन्हें मारने के लिए उनके करीब बढ़ रहे हैं। अब मादा ऑस्ट्रिच जहां अपने बच्चों को पंखों से छुपाने लगती है, तो वहीं मेल ऑस्ट्रिच हायना से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि ऑस्ट्रिच अपने सामने इन हायना को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता, बल्कि उनसे डरने की बजाय उन्हें ही खदेड़ने लगता है। ऑस्ट्रिच को अपने पीछे आता देख सारे हायना वहां से भागने लगते हैं और इस तरह ऑस्ट्रिच अपने बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों, जंगल की दुनिया में कभी कभी ऐसे भी मौके आते हैं जब हायना जैसे जानवर को भी मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि जंगल का कानून ही ऐसा है कि यहाँ एक पल उजाला तो दूसरा पल अंधेरे से भरा होता है। वैसे आपको इनमें से कौन सी वीडियो सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी ही और भी शानदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।